सो एवरीवन, अभी जो काम होने वाला है ये रिलायंस के वेयर हाउस में काम होने वाला है। देन बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट डिमांड किया था कि सर रिलायंस में रिक्वायरमेंट कब तक आएगा, जस्ट बिकॉज कि अभी आ चुके हैं और उसके बारे में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। देखिए, ये रिलायंस कंपनी है और इसमें सैलरी भी अच्छे हैं, देन 9 घंटे की ड्यूटी है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपरली। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे ही नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं। और हाँ, एक और छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। देखिए, रोजगार ब्लू माया चैनल पर जितने भी रिक्वायरमेंट अभी आ रहे हैं सभी के सभी ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से आ रहे हैं। देन वेबसाइट भी है, विजिट कर सकते हो। सीधा लिखना है rozgarblumaya.com, गूगल में जाके जो चैनल का नाम है उसके आगे .com लगा देना है और आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। सो चलिए इस जॉब्स को हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर इस कंपनी में क्या सैलरी है, क्या डिटेल्स है, क्या फैसिलिटीज है एंड एवरीथिंग। तो चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं और आपके साथ में शेयरिंग करते हैं। देखिए, ये एक रिलायंस का वेयर हाउस है, रिलायंस ट्रेंड कंपनी है जिसमें वेयर हाउस में पैकिंग जॉब करने हैं। आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा पैकिंग का रहेगा, पिकिंग का रहेगा, स्कैनिंग, सॉर्टिंग, यही सब। एटलीस्ट बोले तो आपको एक वेयर हाउस हेल्पर के पोस्ट पर काम करने होंगे। और आपको भी पता है, मैं बहुत बार रिपीटेशन कर चुका हूं कि वेयर हाउस हेल्पर के पोस्ट पर आखिर आपको काम क्या करने होते हैं। सो यहां पर ड्यूटी जो है 9 आवर्स की शिफ्टिंग है एंड महीने में आपका 26 दिन काम होने वाला है। ये भी एक प्लस पॉइंटेड है कि आपको 9 घंटे की ड्यूटी है, महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ वनली फॉर 26 दिन काम करने। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड और एटलीस्ट कि ये प्लस पॉइंटेड होता ही है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास मांगा गया है, तो आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास नहीं है तो आप इस काम के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। सो बेसिकली यहां पर लोकेशन दानकुनी कोलकाता, लोकेशंस में जॉब है, मगर आप इंडिया के किसी भी कोने से सोचते हो कि हम आके काम करें कर सकते हैं। लेकिन गाइज, इसमें यह नहीं बताया गया कि रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, फूड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो रूम फूड के बारे में हमारे साथ में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, शेयर नहीं किया गया है। जस्ट कि अगर शेयर किया जाता तो हम आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करते, बट यहां पर शेयर किया ही नहीं गया। तो आप कॉलिंग नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। वीडियो के स्क्रीन पर हमने कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ में शेयर कर दिया, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके आप बात करके पूछ सकते हैं। सो यहां पर जो आपको बता दूं सैलरी, तो 9 घंटे ड्यूटी के जो आपको 26 दिन काम के जो सैलरी मिलेंगे वो है ₹12,000 मंथली बेसिस। दिस इज ए नॉट फिक्सेबल सैलरी, दिस इज ए इंक्रीजेबल सैलरी एंड आफ्टर देन 6 to 9 months अराउंड योर एक्सपीरियंस गेन योर सैलरी विल बी इंक्रीज। देखो क्या होता है एक्चुअल में कि किसी भी कंपनी में जाते हो आप काम करने के लिए, आपका स्टार्टिंग पीरियड्स में सैलरी कम ही होता है, लेकिन आफ्टर देन जैसे जैसे आप उस कंपनी में परफेक्ट होते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपको अनुभव होता है, तो आपका सैलरी भी इंक्रीज होता है। सो बेसिकली ये छोटा सा इंफॉर्मेशन जॉब का था, मैंने आपके साथ में शेयर किया। ये रिलायंस का वेयर हाउस है। अगर जो भी कैंडिडेट को काम करने हैं आप डायरेक्टली ब्लू माया के ऑफिस में विजिट कर लीजिए, या फिर पहले कॉन्टेक्ट नंबर जो स्क्रीन पर हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए और जॉब्स लीजिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई जॉब्स की इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।